वर्ब के बारे में समझाने जा रहा हूँ। प्रायः बच्चे वर्ब को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि वर्ब वास्तव में कितने प्रकार की होती है। ऑब्जेक्ट के आधार पर कुछ लोग कहते तीन हो जाती है, तो कोई कहता है दो होता है, चार होता है, फिर गुमराह रहते हैं। कोई कहता है मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। तो देखिए, मैं आज आपका डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ कि वर्ब मींस क्या होता है। क्रिया, ये सभी लोग जानता है कि वर्ब मींस क्रिया होती है। क्रिया क्या चीज है? क्रिया वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन और सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, इस वर्ब को दो भागों में रखा गया। पहला है फाइनाइट, क्या है? फाइनाइट वर्ब। दूसरा है नॉन फाइनाइट, क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट किसे कहते हैं, ये समझिए। जो क्रिया कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती है, उनको हम फाइनाइट कहते हैं। जो क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बदलती, उनको नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो फाइनाइट को दो भागों में रखा गया मुख्य रूप से, यानी पहला मेन वर्ब, पहला जो है मेन वर्ब, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। ये दो मुख्य वर्ब है। मेन वर्ब को ही एक्शन वर्ब भी कहते हैं, एक्शन भी कहते हैं। इसी को हम लोग हेड वर्ब भी कहते हैं। और आप देखिए, मेन वर्ब को ही एक्शन कहा जाता है, हेड वर्ब कहा जाता है। यह जो उसके बाद हमारा जो मेन वर्ब है, यह तीन भागों में बढ़ जाता है। पहला कौन सा होता है? ट्रांजिटिव। क्या होता है? ट्रांजिटिव। और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। और तीसरा हो जाता है लिंकिंग। क्या हो जाता है? लिंकिंग। तो हमारा पहला क्या हुआ, वर्ब में दो भाग हुआ, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब वह क्रिया जो कर्ता के अनुसार बदलती रहती है। जैसे मान के चलिए, आई रीड ए बुक। अब देखिए, आई के साथ रीड लगा, अगर ही कर देंगे तो रीड्स हो जाएगा, ही रीड्स ए बुक, यानी ही के साथ रीड्स लगा। इसी प्रकार से जैसे ही इज ए डॉक्टर, और ही के साथ इज लग रहा है, आई के साथ क्या लग जाएगा? एम लग जाएगा। ये बदल रहा है, इसमें फाइनाइट हो गया। पसंद में आया? अब हमारा जो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, इसको समझिए। मेन वर्ब को तीन भागों में बांटा गया, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग में। और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम लोग बीइंग वर्ब भी कहते हैं, इसको कई नाम से जानते हैं, बीइंग वर्ब भी कहते हैं। होना, ये एक्शन को नहीं दिखाता है, होने शब्द को, होना शब्द को दिखाता है, और क्रिया का सहायता भी करता है। हेल्पिंग कब कहलाता है? जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है तो हेल्पिंग हो जाती है। यानी दो वर्ब, इसका दो भाग हो गया, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को बीइंग वर्ब भी कहते हैं। ये दो भागों में बंटी होती है। पहला कौन सा? प्राइमरी, प्राइमरी एक्सिलरी के रूप में। और दूसरा मॉडल वर्ब के रूप में, मॉडल वर्ब के रूप में। यानी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, दो भागों में बढ़ जाती है, प्राइमरी क्रिया और मॉडल। प्राइमरी क्रिया का मतलब क्या हुआ? टेंस की जितनी सहायक क्रिया होती है, सब ये सब प्राइमरी क्रिया होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी तीन खंड हो जाता है। एक हो जाता है बी वर्ब, इसको कहते हैं बी वर्ब। दूसरा है डू वर्ब, तीसरा है एप वर्ब। ये भी तीन खंड बढ़ जाता है। और मॉडल वर्ब में जैसे कैन, कुड, मे, माइट इत्यादि आता है। तो हमारा ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, समझिए। ट्रांजिटिव का मतलब कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है, जिस मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है, वह ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस वर्ब के साथ नो ऑब्जेक्ट, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, वह इंट्रांजिटिव हो जाता है। और लिंकिंग क्या होता है? जब इज, एम, आर के बाद कोई नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब वाक्य को कंप्लीट करने के लिए आता है, उसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और ये लिंकिंग वर्ब क्या है, अब समझिए।
जब किसी इजेमार वाजवेयर के बाद यानी बिग क्रिया के बाद नाउन एडजेक्टिव फिट वर्ब आता है कंप्लीट करने के लिए, तो उसी को हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और इस लिंकिंग वर्ब के साथ जो भी नाउन आता है इसको हम लोग कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट। तो अब आपको इस समझ में आ गया होगा कि मुख्य हमारे वर्ब कितने हैं, दो, पहला फाइनाइट, दूसरा नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में दो भाव उनका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तीन खंड बन गई ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव लिंकिंग में, और हेल्पिंग वर्ब दो खंड बन गया प्राइमरी और मॉडल में। अब रह गया नॉन फाइनाइट, ये भी तीन पार्ट में बढ़ जाता है। पहला क्या है, पार्टिसिपल, क्या है, पार्टिसिपल। दूसरा क्या है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। और तीसरा हो गया जीरंड। इस प्रकार आज आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।